जैसा कि आपने कल देखा, किंजल अनुपमा को बताती है कि वो माँ बनने वाली है और अनुपमा किंजल की खुशी के लिए अपने दिल की बात घर वालों के साथ शेयर नहीं करती है, क्योंकि वो समझती है कि अभी किंजल के लिए सबका प्यार बहुत जरूरी है और अनुपमा बहाने से घर के बाहर आकर रोने लगती है। आज हम देखेंगे कि अनुपमा बाहर बैठकर अनुज को अपनी बात न बता पाने के लिए सॉरी मांगती है। तभी अनुज वहां आ जाता है और उसके लिए एक शायरी बोलता है कि सुबह तुम्हें मुझसे जो कहना था वो तुम्हारे आंसू कह रहे हैं। वही घर में बाबूजी और अनुज की मम्मी दोनों आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि मुझे लगा कि अनुपमा अपनी बात क्यों नहीं पाई। तभी वनराज को किंजल के लिए चिंता करते हुए देखकर दोनों समझ जाते हैं कि इस खबर के साथ दोनों की शादी के बारे में नहीं बता सकती थी। दूसरी तरफ अनुपमा अनुज से कहती है कि आपने हमेशा मेरे आंसू पोंछे हैं और मैंने आपको सिर्फ आंसू दिए हैं। साथ ही ये भी कहती है, जब किंजल ने मुझे बताया कि मैं दादी बनने वाली हूँ, इस बात को सुनकर मैं सब भूल गई। अनुपमा अनुज से माफी मांगने लगी कि वो कुछ बता नहीं सकी। तभी अनुज कहता है कि मैं तुम्हारी खुशी और उलझन दोनों नहीं समझ पा रहा हूँ। वो समझना चाहता है कि माँ बाप बनना या दादी दादा बनना या पति बनना आखिर होता क्या है, और वो ये भी जानना चाहता है कि दूल्हा बनना क्या होता है। और उसी पल अनुपमा कहती कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, और अनुज इस पर यकीन करने की कोशिश करता है और खुशी के मारे जोर जोर से हंसने और रोने लगता है और आई लव यू बोलता है और अनुपमा से कहता है कि मुझे पता था कि आज तुम सबके सामने ये अनाउंसमेंट करने वाली हो, और अनुपमा को सिंदूर की डिब्बी दिखाता है। अनुपमा कहती है जो सबके सामने कहना चाहती थी वो दो। अनुज कहता है अब तो तुम जवाब दे ही दो, और कहती है मेरा जवाब हाँ है, मैं आपको मिस्टर अनुपमा अनुज जोशी बनाना चाहती हूँ। अनुज अनुपमा से कहता है, उसका दिल कर रहा है कि सिंदूर से अनुपमा की मांग भर दे। अनुज अनुपमा से यह भी कहता है कि वो शाह परिवार से कह दे कि कोई भी अगर नया झगड़ा करना है तो वो थोड़ा रुक कर कर ले, वरना वो अभी मांग भर देगा। उसके बाद दोनों हंसते हंसते गले लग जाते हैं और इशारों में बात करते हुए निकल जाते हैं। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। कल अनुपमा में हम देखेंगे, जैसे ही समर अनुपमा के 45वें बर्थडे पर 45 डिशेस वाली थाली लेकर आता है, वहीं बाहर से ढोल बजने की आवाज आने लगती है। और बाहर निकलने पर सब ये देखते हैं कि किंजल की माँ खुशी से नाचते हुए आ रही है। आज इतना, कल फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।